मैं विक्रांत, आप देख रहे हैं बोल बिंदास। हाल ही में अर्जुन रामपाल और फिल्म डैडी की स्टार कास्ट दिल्ली में फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। अर्जुन ने फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड के थे या ये लोग गैंगस्टर थे, किस तरीके से बने, क्यों बने, किसके साथ झगड़ा किया। ये भी कहा कि आज तक किसी जीवित गैंगस्टर पर उनकी परमिशन लेकर कोई फिल्म नहीं बनी है। ऐसी फिल्म बनी नहीं है जो एक जीवित गैंगस्टर पे उनका उनके राइट्स लेकर उनका अप्रूवल लेकर ये फिल्म बनी, तो ऐसी फिल्म तो अब तक नहीं बनी है। साथ ही कहा कि अरुण गावली एक्सीडेंटल डॉन है, उनको हालात ने डॉन बनाया, आज भी चावली के लोग उन्हें हीरो मानते हैं। That if you know Arun Gawli and if you go to Dagri Chowl, he's already a hero there for his people. This is very unusual, you know, he's a very unusual gangster. He is an accidental don. Film ke director Oshim ne kaha ki hum is film mein Arun ko glorify nahi kar rahe hain. We're not really interested in glorifying him or trying to create a hero out of him. अपने किरदार के जैसे दिखने के लिए अर्जुन ने 11 किलो वजन कम किया। वो टोपी पहनने का स्टाइल या फिर उनकी जो नाक है वो बहुत ही चौड़ी सी नाक है, तो उन्होंने मेरे सबसे पहले एक नई नाक दी मुझे, ओके, तो मैंने एक नई नाक लगाई। फिर हमने इटली से बहुत ही कमाल के प्रोस्थेटिक्स मेकअप आर्टिस्ट सर्जियो हरियाणा और सिमोने, वो आए यहाँ पर, उन्होंने लुक टेस्ट की मुझ पर, मुझे अपना वजन कम करना पड़ा तकरीबन 11 किलो कम। फिल्म की एक्ट्रेस ऐश्वर्या ने कहा कि अर्जुन और ओशिम ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, उन्हें हिंदी डायलॉग्स में बहुत दिक्कत होती थी। The difficult thing was the language. I couldn't speak Hindi. Oshim and Arjun, they made me feel very comfortable. फिल्म के रिसर्च की घटना बताते हुए कहा कि जब अर्जुन अरुण गावली से मिले वो उनके लिए गोल्डन मोमेंट्स थे। Then when we got to meet him as a person, that was very, very, those were golden moments for me as an actor. आपको बता दें कि फिल्म 8 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में नजर आ जाएगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बोल बिंदास।